दोस्तों, आप सभी ने ई श्रम कार्ड बनवा ही लिया होगा। जो भी मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी मजदूरों को मैं फिर पुनः आप सभी से कह रहा हूँ कि जो भी मजदूर असंगठित मजदूर हैं, जो किसी फुटपाथ पर काम करते हैं, छोटे मोटे कारखाने में काम करते हैं, या स्वरोजगार किए हुए हैं या दुकान चलाते हुए हैं, तो उन सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि ई श्रम कार्ड बनवा लें। मैं इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ कि जो भी भाई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं, उनको 1,000 जो मंथ मिलने वाली है वह कब से मिलने वाली है, उसके लिए क्या करना होगा। और जो भी भाई बंधु रोजगार बंधु बेरोजगार चाहे स्वरोजगार जो भी हैं और संगठित मजदूर हैं, वह श्रम कार्ड नहीं बनवाए हैं, तो जल्द से जल्द जाकर श्रम कार्ड बनवा लें। क्योंकि अगर आप श्रम कार्ड नहीं बनवा रहे हैं तो आपको जो मिल सरकार 1,000 रुपये देने वाली है वो आपको नहीं दे पाएगी और आप उसका लाभ नहीं ले पाइएगा। अभी तक आप नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द आप जाकर श्रम कार्ड बनवा लें। और इसके साथ मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में श्रम कार्ड बना है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में बना है, उसके बाद बिहार में बना है, उसके बाद झारखंड में बना है। इस तरह से श्रम कार्ड बना है। अभी तक श्रम कार्ड बनने की संख्या 6 करोड़ बन चुका है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग यह संख्या हो सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसके नज़र रखते हुए वहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, योगी साहब, आदित्यनाथ योगी, उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले वर्ष में सभी इस श्रमिक कार्डधारियों को 500 का मंथ देंगे, यानी 2 माह में 1,000 रुपये उनके खाते में भेज दिए जाएंगे। यह जब तक दिया जाएगा जब तक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। अगर उनकी सरकार आती है तो चुनाव हो जाता है तो उसके बाद विचार होगा, तो यह जो 500 का मंथ देने का विचार है वह चुनाव के बाद भी लागू हो सकते हैं जिंदगी भर के लिए। जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक आपको 500 रुपये मिलते रहेंगे इस श्रम कार्ड वालों के लिए। अगर चुनाव अगर हार जाते हैं तो दूसरी सरकार आती है तो उसके विवेक, उसके रणनीति, उसके घोषणा पत्र, वह उनकी सरकार के जो भी नेता हैं वह विचार करेंगे कि देना है या नहीं देना है। लेकिन आप स्वस्थ हो लें कि अगर आप इस श्रम कार्ड बनवा लिए हैं, अगर उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपको हर माह 500 रुपये मिलने वाले हैं। जल्द से जल्द इस श्रम कार्ड जो नहीं बनवाए वो बनवा लें और इसका लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। इस श्रम कार्ड बनवाते वक्त आपको आधार कार्ड देना होगा, एक्टिव मोबाइल नंबर देना होता है और खाता का पासबुक देना होता है, क्योंकि खाता में ही पैसे आने वाले हैं। जैसे कि आप बगल में देख सकते हैं कि इस तरह का इस श्रम कार्ड बनता है, इस तरह का श्रम कार्ड आप बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भी श्रम मजदूर इस श्रम कार्ड बनवा लिए हैं, अगर उत्तर प्रदेश से नहीं है, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, चाहे भारत से किसी भी स्टेट से आते हैं, तो आपको भी पैसा सरकार देने वाली है। नए वर्ष में 2022 में सरकार ने यह प्लान बना रही है कि जो भी मजदूर ई श्रम कार्ड बनवाए हुए हैं, उन सभी मजदूरों को 1,000 करके आपको खाते में भेज दी जाएगी। क्योंकि कोरोना काल चल दिया है और थर्ड वेव आने वाली है, यानी कोरोना का तीसरा लहर आने वाली है। क्योंकि जैसे आप रोज पत्रकारों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, पत्रों में देखते हैं, समाचार पत्रों में, कि ओमिक्रॉन का जो है केस बढ़ता जा रहा है, तो आप सभी मजदूर जैसे ही लॉकडाउन होता है तो आप सभी मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये सरकार हर मंथ डालने वाली है। क्योंकि उस समय रोजगार बंद हो जाता है, आप सब घर में रहते हैं, लॉकडाउन लग जाता है और विपत्ति का माहौल आ जाता है, तो सरकार आर्थिक सहायता करने के लिए आप सभी इस श्रमिक मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये डालेगी। कब? जब तीसरी वेव पूरी तरह आ जाएगी। तो अभी उत्तर प्रदेश डालने वाली है, धीरे धीरे सभी स्टेट इस पर विचार कर रहे हैं। जैसे ही विचार करते हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ, बताऊँगा भी कि इस स्टेट ने ऐलान कर दिया है, इस स्टेट ने इतना पैसा देने वाले हैं। अभी तक जो भी न्यूज़ हमारे पास है उस न्यूज़ से यही निकल कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही केवल पैसा मिल रहे हैं ई श्रम कार्ड वालों के लिए। तो अब आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए ठीक है, अगर अदर प्रदेश से हैं तो आप सब ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं तो ठीक है, आने वाले दिनों में आप सभी के खाते में 1,000 रुपये मोदी सरकार डालने वाली है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, इसमें कोई राज्य सरकार का लेना देना नहीं है। सेंट्रल अगर राज्य सरकार पैसे देगी तो ठीक है, और नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 1,000 का मंथ आपके खाते में भेजने वाली है। इस वीडियो को देख रहे हैं तो श्रम कार्ड का लाभ कैसे लेना है मैं A to Z बताने वाला हूँ। आगे भी जैसे भी खबर आएगा मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक और बात मैं चलते चलते बता दूं कि आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आपके लाइक अच्छा लगे तो उसको मैं लाइक भी कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि।